हेलो, आज हम लोग क्लास 8th का पेपर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर था आईक्यू का। इसमें हमारे तीन सेक्शंस थे, सेक्शन 1, 2, 3, और अगर आप सही करेंगे तो +3 और गलत कर रहे हैं तो -1 मार्किंग थी। ठीक है, तो इसको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पेपर में देखते हैं। फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? द फॉलोइंग सर्टेन रूल्स द पैटर्न इज थ्रू आउट 11, 23, 48, 99, ये हमें दे रखा है। तो इसका हमको जो है रूल क्या था, 11 में 2 का मल्टीप्लाई करिए और +1 कर दिए तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है 23। फिर 23 को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। फिर उसमें जहां हमने 1 ऐड करा था अब 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 48, थर्ड टर्म। फिर 48 इंटू 2, अब इसमें एक टर्म और बढ़ा के ऐड करेंगे 3, तो आ जाएगा 99। 99 हमारा फोर्थ टर्म था। फिर इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे 99 इंटू 2 + 4, तो ये लॉजिक आप लोग को पता चल गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज 202। सोहन इंट्रोड्यूसेस मोहनस एज ए सन ऑफ द ओनली ब्रदर, ये एक रिलेशन पे क्वेश्चन है। इसको मैंने बता रखा है कई बार कि एक रिलेशन पे क्वेश्चन आएगा तो रिलेशन पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ फादर वाइफ है तो ये क्या है, सोहन, और ये इसका ब्रदर है, तो यानी कि 2 का ए कजिन होगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, द थ्री स्टेटमेंट ऑफ द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेम एज गिवेन। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या करा, 4 + 2 हमारा क्या है 6 है, 2 + 3 5 है, 3 + 4 7, 2 + 1 3 एंड 4 6 8, 4 5 6, 6 7 8 एंड 2 3 4, तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या करा गया है कि इस कोड लैंग्वेज में बॉडी को देखेंगे तो इसमें क्या करा गया है, पहले वाले में एक माइनस करा गया है, बी हमारा सेकंड नंबर पे है तो ए हमारा उसके एक पहले है। ओ पी यानी कि जो सेकंड नंबर है उसमें एक प्लस ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लस माइनस 1 करते गए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर डेली को देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सी एफ के आई और एच, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम लोग आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अमन वॉक्स साउथ वेस्ट। ठीक, तो ये चला गया इसे 10 गया, फिर इधर 15 गया, 10 गया, ऑप्शन हो जाएगा डी इज 15 किलोमीटर, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएं, ठीक, तो देयर आर 7 आर्स इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई 6 नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई 4। इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक, क्लास 7 में देखेंगे, इन ए क्लास 35 स्टूडेंट्स ध्रुव इज प्लेस्ड 7। ठीक, तो सोनाली के आगे 9 है, फिर पुलकित के आगे 9 है, पुलकित के पीछे 9 है, ध्रुव के आगे इधर 9 है, ध्रुव के पीछे 6 है। तो ये पोजीशंस वाले क्वेश्चंस को अगर हमने इसको सॉल्व करा तो ये आया, तो ये कितना हो जाएगा, बी इज 10th पोजीशन। क्लास 8th, फार्मर बिल्ट ए फेंस अराउंड ए स्क्वायर प्लॉट, तो सिंपल क्वेश्चन है, 27 × 4 − 4 = 104, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ मेनी स्क्वायर्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है, तो यहाँ पे 26 आ रहे हैं, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। 1 1 के स्क्वायर 15 हैं, 2 2 के स्क्वायर 8 हैं, 3 3 के स्क्वायर 3 हैं, तो यानी कि 26 स्क्वायर हैं। 9th का सी ऑप्शन। 10th में देखेंगे, व्हाट इज द टोटल पॉसिबल साइज ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, पी टी क्यू एस यू आर, अगर हम देखेंगे तो ये भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं और ये भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। पी और आर हमारी फिक्स हैं तो इनको अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो पॉसिबल नंबर्स 4 ही आ रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या है, 11th का सी है और 12th का हमारा डी, आइदर ए और बी। ठीक, अगर हम इसको देखते हैं तो ये कॉम्प्रिहेंशन आप भी पढ़ के आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं कि कुछ फैमिलीज हैं जिनके पास वीसीआर है, टीवी है, डायरेक्ट इस वेन डायग्राम को पढ़ के हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 20 एक ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है। ठीक है, फिर फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैमिली विच हैव स्कूटर। ठीक है, तो स्कूटर वाले कौन से हैं जो स्क्वायर रखते हैं, तो स्क्वायर वाले रूट्स के हम सारे नंबर्स को ऐड कर लें तो कितने हो रहे हैं, 18 + 20। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये 15 भी इसी स्क्वायर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये 15 भी ऐड हो जाएगा तो यानी कितना आ रहा है, 188। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैव वीसीआर एंड टीवी बोथ, वीसीआर टीवी बोथ रखते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे 80 और 20 ही कॉमन आ रहा है, यानी कि 80 और 20 इज 100, 100 इसमें कोई नहीं है तो यानी कि नन ऑफ दीज होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर
16, इस तरह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रिपीटेड है। ठीक है, तो ये आपको एक सीरीज दी गई है, यहाँ पे हमने इनका अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो रहा है 6, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 12, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 6, तो ऐसे चलते चले जाएंगे। यहाँ एक पैटर्न आपको नजर आ जा रहा है, तो अगला यहाँ पे नंबर हमको कितना मिल जाएगा 120, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 फिर हमारा क्या है, फिर ये एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। आकांक्षा 9th पोजीशन पे है, मोहन मोना 17th पोजीशन पे है। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बी इज़ 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर द फॉलोइंग स्क्वायर्स। ठीक है, इसके अंदर हमें ट्राइंगल्स को काउंट करना है, तो एक एक ट्रायंगल वाले यहाँ पे 8 हैं, दो जिसके अंदर आ रहे हैं 10 है, और जिसमें चार पार्ट मतलब चार सेक्शंस आ रहे हैं उसके चार हैं, तो टोटल मैंने जब काउंट करे तो 22 आ रहे हैं। ठीक है, आप भी एक बार देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई ट्रायंगल मिस हो रहा हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 ये थोड़ा सा शायद मैं इसको नहीं सॉल्व कर पाया होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 19 इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस ठीक कट बाय द 11 कट्स, तो अगर हम इस पर देखेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 5 × 4 इज 100 पीसेस हो जाएंगे, अगर हम 11 कट्स इसको लगाएंगे तो आप एक क्यूब में जैसे अगर 11 कट्स लगाएंगे तो करीबन 100 पीसेस हो जाएंगे, आप इसको देख लेंगे। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 21 ये फिर वही डाइस वाला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एच डेफिनेटली इज ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ट्रू K11, तो ये भी आ जाएगा, ये हो जाएगा डी। ठीक, और 24 में आ जाते हैं सिक्स बुक्स ABCDEF अगर रैक में रखी जाए, तो इसको हमने पूरा पढ़ के पहले इसको अरेंज करा है, ए के साथ रेड ओल्ड और लॉ है, बी के साथ ब्लू ओल्ड और गैजेट है, सी के साथ ब्लू ओल्ड और लॉ है, डी के साथ इसको हमने पूरा रीअरेंज करके लिख दिया है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। कॉम्प्रीहेंशन में ये जो डेटा दिए गए हैं इसको आप एक बार पूरा देख लेंगे, यहाँ पे कि पहला रिलेशन पे है तो 25 का बी है, 26 का सी है इस रूल के हिसाब से, 27 का भी सी है इस रूल के हिसाब से, यहाँ एम पोजिशन है और इसके पहले इधर, इसके बीच में दो और इसके आगे दो हैं। ठीक है, तो इसको हमने देख के 27 का सी आया है। नौ अब आ जाते हैं 28 पे, तो 28 में फिर एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है। ठीक है, इस कॉम्प्रीहेंशन को आप पढ़ लेंगे, द लेटर्स आर द ब्लैक, इसको हम इसको अगर देखेंगे तो हमने इसका ये कॉम्प्रीहेंशन के हिसाब से ये बना है लेटर्स ब्लैक ब्लू एंड ग्रीन, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आ रहा है, एक बार आप भी इसको चेक कर लीजिएगा, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है इसमें, मुझे जहाँ तक थोड़ा सा डाउट लग रहा था। 29 का बुक्स पेंस पेंसिल और बटन ये आ रहा था, तो इसका डी आप देख लीजिएगा। 30 का फोर्स एनर्जी पावर और हीट अलग ही था, तो ऑप्शन बी सही लग रहा है। ठीक है, नौ क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे क्लॉक है, हर 20 मिनट्स कवर 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ क्लॉक पे एक दिया गया है, और फॉर 220 के लिए कितना टाइम हो जाएगा, 220 के लिए कितना डिग्री हो जाएगा, दिस इज 50 डिग्री, सिंपल था। व्हाट इज़ द डे ऑफ द वीक ऑफ 2 जुलाई 1984, तो 1900 में वन ऑड डेज होते हैं, 1983 में तब तक कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 103 ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको अगर निकाला है तो 2 जुलाई में कितना हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये मंथ वाइज अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज, तो यहाँ 16 ऑड डेज मिल जाएंगे, तो टोटल ऑड डेज अगर हम काउंट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 122। अब 120 को बोलते हैं वन ऑड डेज, तो यहाँ पे दो आगे बढ़ जाएंगे, तो यानी कितना हो गया, मंडे हो गया। ठीक है, संडे मंडे। क्वेश्चन नंबर 33 और 34 में कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रही है, हो सकता है कि कुछ मिसप्रिंटिंग हो क्या हो, ये थोड़ा सा इन दोनों क्वेश्चंस में प्रॉब्लम लग रही है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्या हो सकता है। ठीक, वैसे तो है ना, 35 में हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर गिवन इन द फिगर इज 24, 36 का रूल क्या है,
यहाँ 36 में भी कुछ मिसप्रिंट लग रही है, 198 की जगह मेरे ख्याल से 196 होना चाहिए। अगर हम रूल देखेंगे तो 3 × 1 + 1² = 4, 4 × 2 + 2² = 12, ठीक है। तो ये इस हिसाब से क्या हो रहा है, रूल के हिसाब से 45 आंसर आ रहा है, ठीक है। 37 में अगर हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स फिगर थर्ड, तो यहाँ पे हमको क्या रूल नज़र आ रहा है, हम इन सब का क्या कर दें, अंडर रूट ले लें और अंडर रूट लेके सबका सम कर दें, तो हमको ये मिडिल टर्म मिल जा रहा है। सबका अंडर रूट लेके सम कर दें तो ये मिडिल टर्म मिल जा रहा है, सबका अंडर रूट लेके सम कर दें तो हमको ये मिडिल टर्म मिल जा रहा है। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x वैल्यू इज़ 36, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 36 में अगर हम लोग देखेंगे, 38 में तो यहाँ पे क्या है कि जितने नंबर ऑफ पर्सनस हैं जो कॉफ़ी पी रहे हैं उधर के डबल चाय पी रहे हैं, तो इसी तरह जो चाय पी रहे हैं केवल उसके डबल कॉफ़ी पी रहे हैं, यानी कि ये सब की सब आपस में कैसे हैं, इक्वल इक्वल है। ये भी एक्स, ये दोनों के जो कॉमन हैं जो दोनों पी रहे हैं वो भी एक्स, और जो केवल टी पी रहे हैं वो भी एक्स, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन इज बी टू ओनली। 39 में देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल है, इफ़ यू रिवर्स द डिजिट ऑफ माई एज, सिंपल लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो ये हमने लीनियर इक्वेशन बना लिए, x इंटू वाई इज 45, तो 45 ईयर्स आ रही है 39 का, ठीक है, सिंपल था। फिर कॉम्प्रीहेंशन आ जा रहा है, कॉम्प्रीहेंशन को अगर हमने 8 पर्सन से रखे हैं तो हमने इसको इस हिसाब से टेबल बना लिए, मार्च अप्रैल मई एंड जून के हिसाब से इसको पढ़ के, तो इसको जो 40 का आंसर आ रहा है डी, 41 का है सी एंड 42 का सी। आप भी देख लीजिएगा कि ये ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे जो लास्ट कॉम्प्रीहेंशन है इसमें भी क्या दिया गया है कि कुछ लोग बिठा दिए गए हैं, ए बी सी डी ई ऐसे बैठे हुए हैं और कुछ कंट्रीज उनके साथ दी गई, तो ये मैंने ये बनाया है इसको पूरा कॉम्प्रीहेंशन पढ़ के, ठीक है। तो 43 का आ रहा है सी, 44 का आ रहा है बी एंड 45 का आ रहा है, 45 आप देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। इसलिए पूरा पेपर सॉल्व हो गया।